गाइस ये रहा हमारा नेकीराम कॉलेज धरती का स्वर्ग को है जिसने हरियो साहिल जान लग रहा हमारा जिसने धरती का स्वर्ग का आरंभ यू है। बाकी धरती का स्वर्ग ये नहीं है भाई, धरती का स्वर्ग है केदारनाथ अमरनाथ और बहुत चीजें हैं। बाकी रोहतक का स्वर्ग कैसे गए ने एमडीयू ने अरे इसने, तो चलो गाइस अंदर चलते हैं। तो भाई अंदर आने के बाद ये गला में पहनने पड़ा भाई हमने, क्योंकि भाई ये है चेकपोर्ट। देखो गाइस ये बैरिकेड खड़ा जहाँ ये है चेकपोर्ट, यहाँ आपके आई कार्ड चेक होते हैं। और यू है भाई हॉस्टल, यू हॉस्टल कम जेल ज़्यादा है, ये जेल ज़्यादा है भाई, हॉस्टल कम जेल ज़्यादा है, क्योंकि भाई इसमें बंद कर रखा गेट वगैरह जाली जो मतलब चेन चून लगा रखी है, बिल्कुल बेल बैल बांध रखी है पूरी हॉस्टल में। यू है भाई हॉस्टल, हॉस्टल में भी अब की बार ना दे अलॉट हुआ क्योंकि इसमें क्लासेस लगेंगी भाई आपकी। देखो भाई वो जेल जेल है भाई, यू बेल बैल बांध रखी है जेल ज़्यादा, एक यू हॉस्टल है दूसरा यू तो खत्म हो जाए मतलब इसमें क्लासेस लगती हैं भाई अब की बार, क्योंकि बीएससी बिल्डिंग टूटेगी तो उस वजह से इसमें क्लासेस लगे हैं। अब की बार में भी यू हॉस्टल अलॉट ना हो वो वाला हुआ है बस। उसके बाद सामने है भाई वो रहा गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल भाई वो भी जेल से कम नहीं है क्योंकि उसमें एंट्री 6-5 बजे है, शाम को 5 बजे के बाद आप एंट्री नहीं कर सकते, बस 5 बजे के अटेंडेंस हो जाएगा आपका 5 बजे। हॉस्टल के साइड में भाई आपका ओपन एयर थिएटर है, उसमें कॉलेज के फंक्शन वगैरह होते हैं, डांस वांस होता है। बाकी सीटिंग बहुत बढ़िया है, या लाइब्रेरी मतलब या पार्किंग है भाई, गर्ल्स पार्किंग है ये गर्ल्स पार्किंग है भाई। इसमें एंट्री करने के बाद आपको सीधे हमारे सर आ रहे हैं, ये हमारे फेवरेट सर हैं। चलो भाई अड़ा पानी का मिल जाए हमने पीने खातर वाटर कूलर। यू है बॉयज़ पार्किंग, यहाँ से सीधा जाओगे तो भाई आगे बीए बिल्डिंग आओगी, यहाँ से जाओगे तो बीएससी बिल्डिंग आओगी और आपका नोटिस बोर्ड। और यूरा भाई सुशील का बेटा बूथ, जो भी नया बालक आवे तो चाय पानी जरूर पी के जाइए, अड़े भाई की सेल बढ़वानी है एक ही मोटिव हमारा। जय सिया राम जय सिया राम के नारे लगते भाई आते, जय सिया राम जय सिया। आज तो क्या बात है भैया, कहाँ जाने की तैयारी है? नहीं नहीं बस थोड़ा सा एक बार ऑफिस तक। अच्छा ऑफिस तक, चलो भाई जो भी नया बालक आओ तो ईटा बूथ पर। जय सिया राम दादा, ओके सर, जो भी नया बालक आओ तो ईटा बूथ पर जरूर आइयो भाई, हाँ विदाउट जय सिया राम बोले मत आना। चलो भाई आगे बाद आगे नोटिस बोर्ड मिल जाए आपने, यो है भाई नोटिस बोर्ड, यहाँ नोटिस बोर्ड वगैरह तो बहुत कम लगते हैं, मतलब कई साल आ गए ये देखूँ ये लग रहे हैं। या भाई बीएससी बिल्डिंग ये कुछ सालों बाद टूट जाएगी आपकी, ये बीएससी बिल्डिंग कुछ सालों बाद नहीं मतलब कुछ टाइम बाद टूट जाएगी, इसके अंदर ही लाइब्रेरी है भाई, लाइब्रेरी भी इतनी कुछ खास नहीं है, लाइब्रेरी आपको देखने को बंद है भाई अभी, फिर दिखाते हैं कभी। यू है भाई NSS ग्राउंड, हाँ NSS NCC नहीं NSS। यू है भाई ऑडिटोरियम, बस 250-300 बालक आज कहीं में ज़्यादा नहीं आ सकते, 250-300 के बाद बार लाइन लग जाए, तो छोटा ही है भाई ऑडिटोरियम भी, इतना कुछ खास नहीं ऑडिटोरियम। बाकी प्रिंसिपल अगर प्राइवेट मीटिंग करनी हो, प्राइवेट डांस करवाना हो तो वो यार करवा करें। तो भाई ये है आपकी कैंटीन जो कॉलेज की ऑफिशियल कैंटीन है, ये आ जाता है आपके वॉशरूम्स। यू है भाई जनरेटर, जनरेटर आज तीन चल रहा है, यू आज तीन चल रहा है जनरेटर के वास्ते व्यू, हाँ यार भाई BCA बिल्डिंग ब्लॉक 4 ये है भाई BCA बिल्डिंग, अगर किसी को BCA करनी हो तो भाई इसमें न्यू अंधेरा रहा आकर है, एक बल्लो भी टांग रखा है इसमें, ये BCA बिल्डिंग है गाइज। और ये देखो भाई व्यू, यह है भाई हरियाली नेकी राम की, हरियाली हरियाली है भाई अडसारी का, जमा हरा भरा कैंपस है पूरा, इंजॉय फुल इंजॉय होगा भाई, एडमिशन लो एक बार आप। ये है भाई BA बिल्डिंग जो कि नई बनी है, इससे मैं सारे आपके वो हैं मतलब ऑफिस वगैरह प्रिंसिपल का ऑफिस और जो भी आपका ऑफिस रिलेटेड काम हो वो सब यहीं होता है इसी बिल्डिंग में। ये भाई देखो वाटर रिजर्वेशन मतलब वाटर बचाने के लिए भी यहाँ पंप लगाए गए हैं, देखो भाई यू है आज ताप आए कल आना भाई, यू है भाई पूरी बिल्डिंग या मेन बिल्डिंग। उसके बाद यू है भाई हरा भरा कैंपस पूरा, विनाश तो रील मनीषा तो रील बन सका है ना अकेले हैं आपा। यू है भाई हरा भरा लश ग्रीन कैंपस, कैंपस मतलब अपना कॉलेज भाई, बिल्डिंग भी बंद है यह भाई BSC बिल्डिंग, ये कुछ समय बाद डिमोलिश कर दी जाएगी
क्योंकि इसका गारंटर है भाई नए बनन खतर। बाकी प्रिंसिपल नहीं काम स्टार्ट नहीं करवाया है, देखते हैं कब स्टार्ट होगा काम इसका। बाकी मुश्किल है अभी काम स्टार्ट होना इस साल भी, बाकी देखते हैं भाई। ये आ गई भाई हमारी कॉमर्स बिल्डिंग, कॉमर्स बिल्डिंग का कर दिया भाई इन्होंने बीएससी बिल्डिंग, दोनों मिक्स कर दी भाई, कॉमर्स और बीएससी बिल्डिंग दोनों मिक्स करके एक बना दी भाई। या थी हमारी बिल्डिंग, इसमें पर डाल दे भाई हमारे यहाँ हम बैठा कर दे। ये आप खतर बनवा रखे थे भाई, इन गमले टेक दिए इन पे। बाकी यहाँ बैठना अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बच्चों से जलते हैं, जलते इन द सेंस मतलब वो बच्चों को खुश देख के राजी नहीं है। क्योंकि भाई बाढ़ के अड्डे टाइम पास खतर बैठ जाया करते, उन्हें जब ठा ठा गए लाइब्रेरी चलो लाइब्रेरी चलो लाइब्रेरी चलो, लाइब्रेरी में जंगानी भाई यू है भाई जिम, कुत्ता जिम करना रहा है, कुत्ते खतरे बनवा रखे भाई जिम। ये भाई जिम, वो भाई जिम करने लग रहा है, राइट भी लेने लग रहा है वो। यार तो नुआ डारा कॉलेज अपना है, ओए यार तो नुआ डारा कॉलेज अपना है। या भाई बीबीए ब्लॉक, यू है बीबीए ब्लॉक, अगर किसी ने बीबीए करना हो वो भाई दूसरा गेट है कॉलेज का मेडिकल मोड साइड वाला। अगर बाई चांस किसी रीजन से वो गेट बंद हो जाता है मेन गेट, तो यू गेट खोल दिया है क्योंकि भाई मेन रीजन वो गेट कई बार बंद हो लिया प्रोटेस्ट की वजह से भी यार। और आ जा उन्होंने डाल हुआ तो ना आगे आस्ती नहीं गया होगा तू तो भाई। ये सारा हरा भरा कॉलेज, हरा भरा स्वच्छ हवा, स्वच्छ वो लेना ब्रीथिंग प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी आपको, यहाँ बहुत सारी ऑक्सीजन है, यहाँ हॉस्पिटल भी पास में ही है अगर हॉस्पिटल जाना और पीजीआई भी भाई यहीं से हवा। तो भाई ये सारा है, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट रह जाए तो भाई वो यहाँ होगा, या पार्किंग है भाई या अलग से पार्किंग है एक। ये सारा हॉस्टल कॉलेज है भाई महाराज। तो भाई जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे वो आपके इसमें होंगे, मतलब कॉलेज में आपकी बिल्डिंग में, जो से भी स्ट्रीम के आप। यू भाई एक और एरिया है, अनार के पेड़ लग रहे हैं भाई यहाँ, अनार खा अनार कहूँ मैं, अनार अनार लग रहे हैं तो अनार भाई ये क्यों खराब हो गया कोई ना जो चलो बाहर। ये तो नींबू भी है, नींबू भी है, यूरा नींबू, हाँ नींबू मारा लग रहा है नींबू। और मतलब अभी ग्रीन है वो, येलो नहीं हुए, येलो नहीं हुए हैं। तो भाई यू है हमारा कॉलेज सारा, आपने देख लिया होगा। बाकी जिसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हो तो हमने एडमिशन के बाद, तो भाई आपके में ब्लॉक में होंगे, जो से भी जो करो आप बीबीए करो तो बीबीए ब्लॉक में होंगे, बीकॉम करो तो बीकॉम ब्लॉक में होंगे, बीए करो तो आप बीए ब्लॉक में होंगे। यू अपना ध्यान रखना, और बिल्डिंग आपकी दिखा दी है, बिल्डिंग का याद रखना। तो गाइज अभी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत क्योंकि हमारा पेपर है। तो भाई ग्रीनरी बहुत है इस कॉलेज में, बाकी डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा आपने क्योंकि भाई कॉलेज का माहौल आपको पता है कैसा होता है। थोड़ा बहुत मतलब इंजॉय करो, फुल करो विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, किसी को कुछ मत कहना भाई, अपना मौज करो, अपना सीधा आओ सीधा कॉलेज में पढ़ो मौज करो, किसी दिक्कत हो ना कुछ, क्योंकि भाई कॉलेज में ऐसा ही माहौल है थोड़ा। तो भाई अपना मौज करो फुल, हम भी भाई पूरी मस्ती करा किसी ने बट हार्म नहीं करते किसी को कुछ। चलो भाई अब आपको दिखाते हैं एनसीसी ग्राउंड। तो भाई इस साइड आपका है एनसीसी ग्राउंड, किसे भाई ने एनसीसी लेनी हो किसे बहन ने एनसीसी लेनी हो तो भाई वो एनसीसी ग्राउंड है वो, आगे शमशान घाट सके दिखा मैंने यू सामी भाई यू आस्ती नहीं समझ में आया यू क्या खतर बनवा रखा है यू सामी यू आस्ती नहीं समझ में आया मैंने। बाकी किसी ने बेरा हो तो आप बता दियो, मैं भी अड़े खड़े होकर स्पीच वगैरह देते हो एनसीसी के, ओ माई गॉड यहाँ तो नुकसान हो रखा है। तो भाई यू है देखो भाई एनसीसी का ग्राउंड, फुटबॉल का भी ग्राउंड है भाई यू। अच्छा फौजी तंबू है क्यों, अच्छा चलो भाई हम लोग, अच्छा फायरिंग एरिया क्या पता नहीं भाई हमें तो समझ में नहीं आता था। यू भाई एनसीसी ग्राउंड आपका फुटबॉल ग्राउंड, क्यों जड्डा भाई अड़े जब गांव पड़े नरे बालके बालक बैठे पा रहे हैं, गर्मियाँ पेड़ तले बैठे पा रहे हैं, फिर प्रिंसिपल का थोड़ा जाग रहे क्योंकि फिर यड़े बैठना अलाउड बंद कर दिया जाकर आपका, क्योंकि भाई यड़े बैठ के बालक कुछ गलत हरकत कर रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा देखना पड़ा है प्रिंसिपल ने भी, डिसिप्लिन जरूरी है भाई कॉलेज का। चलो गाइस अभी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। इस भाई पे पूछेंगे भाई कौन से ईयर में हो भाई, सेकेंड ईयर
सेकंड ईयर में हो भाई, कैसा लगा आपको कॉलेज? कॉलेज अच्छा है। कॉलेज अच्छा है भाई, कौन से कोर्स में हो? बीएससी फिजिक्स ऑनर्स सेकंड। मतलब बीएससी को भी बड़ा बड़ा करना चाहो हेडते हैं तो कर सके? वो कर सके। लैब वगैरह की फुल फैसिलिटी है यहाँ? हाँ। अच्छा, मतलब टीचर वगैरह अच्छे हैं? हाँ, टीचर अच्छे हैं। अच्छा, फुल लैब वगैरह की मतलब पूरी फैसिलिटी है यहाँ अपने कॉलेज में? अच्छा, चलो भाई थैंक यू। अगर किसी ने बीएससी करनी हो तो वो कर सके हेडते हैं। ये हमारे चीते खड़े, चीतो चलो चलते हैं, चलो पढ़ लेते हैं अब। आयु ना कर यार आज पक्का, भगवान कसम ना कर यार आयु, कोई बात नहीं ना कर यार आयु, क्योंकि मेरा जब बस स्टैंड में थे जब फोन आ रहा आयु 10 मिनट में आ भी लिया यार। उस टाइम में ना दो का पढ़ पुड़ा का बैठा था। सो बता तू बकवास ना, कसम से। हाँ, और देख पढ़ लिया तू सारा पढ़ लिया। चलो गाइस अभी हम 7 बार एक चैप्टर। चलो भाई चलते हैं। भाई कॉलेज कैसा है? कॉलेज कैसा आप लगा आपको? कॉलेज तो मस्त है। कमेंट नहीं करूंगा। यू सच्ची बताओगा भाई क्यों नहीं करे? क्यों नहीं करे? क्यों नहीं करे? रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा कि भाई आप इसको कैंसिल करो। अच्छा, बल्कि आप इसमें लो। अच्छा, एडमिशन लो इसमें। एडमिशन लो। ओके सर। इसमें जो फन है ना? हाँ। वो कहीं नहीं है। अच्छा, कितना फन ले लिया आपने? कितना फन? देखो भाई इसने यू फन ले लिया, दो सूख क्या पड़ा फन ले ले गए। अरे ये बोतल आ रहा अपनी पानी पीने खातर अम्बे अम्बे क्लासा में मैंने अपना बिना प्यार था।